पाशबाली पुलिस ने नाई तालाब और लश्करी बाग में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाकर 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस ऑपरेशन में 7 ठिकानों पर छापा मार कार्रवाई की गई। 3 महिलाओं सहित 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इन ठिकानों से महुआ शराब, विदेशी शराब और बियर की बोतलें सहित करीब 27,000 रुपए का माल जब्त किया गया। लोकसभा चुनाव के चलते 48 घंटे पहले शहर में शराबबंदी लागू कर दी गई थी। सभी शराब दुकानों को सील लगा दी गई थी। बियर बारों को बंद रखने का आदेश दिया गया था। पुलिस सूत्रों के अनुसार पाशबाली पुलिस ने नाई तालाब और लश्करी बाग परिसर में अवैध शराब बिक्री के 7 ठिकानों पर छापा मारा। इन ठिकानों से 174 लीटर महुआ शराब, विदेशी शराब की 40 बोतलें, बियर की 12 बोतलें जब्त की गई। मतदान प्रक्रिया संदिग्ध पार पड़े वरिष्ठ अधिकारी आमच्या पुस्ते पाशबाली हद्दीमध्ये लष्करी बाग, नाईक तलाव, एकानाका इत्यादी ठिकाणी आम्ही कॉम्बिंग ऑपरेशन राबवलं। त्या दरम्यान आम्हाला नाईक तलाव आणि लष्करी बाग, त्याचप्रमाणे नवानाकाशा या ठिकाणी आम्हाला जी माहिती मिळाली की या ठिकाणी अवैध हातपेटी दारू विकली जात आहे, मोहपुरी दारू विकली जात आहे। त्यानुसार आम्ही त्या ठिकाणी रेड करून असे 7 ठिकाणी रेड करून 7 ठिकाणी रेड करून 174 लिटर मोहपुरीची दारू जप्त केलेली आहे। त्यामध्ये 3 महिला आरोपी आहेत आणि 6 पुरुष आरोपी आहेत। त्याचप्रमाणे देशी विदेशीच्या 80 बॉटल्स आम्ही आरोपीच्या ताब्यात घेतलेल्या आहे। असा एकूण 26,660 रुपयाचा मुद्देमाल आम्ही ताब्यात घेतलेला आहे। सर्व आरोपींना अटक केलेली आहे। त्याचप्रमाणे आम्ही या कारवाई दरम्यान लष्करी बाग येथे एक हत्यामार चाकू फिरत असताना त्याला पकडले, रेड्यान पकडलेलं आहे। त्याच्यावर सुद्धा आर्मेट प्रमाणे कारवाई केलेली आहे। बाकी आम्ही त्या आरोपींना आता सध्या कोर्टामध्ये पाठवतो। पुलिस ने आरोपी आजम खान, रमजान खान, स्वरूप दीपक नंदेश्वर, सरिता दिनू ठौकर, पिंकी दिनू ठौकर, पुष्पा सूरज नागराज व अन्य 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागढ़ के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।